बीएसएनएल के अधिकारी कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर है। उनके द्वारा ये हड़ताल अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। मंगलवार को इस हड़ताल का दूसरा दिन रहा। बीएसएनएल कर्मचारियों की जो 5 सूत्रीय मांगे हैं, उनमें प्रमुख मांग है बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन शीघ्र किया जाए। इसके अलावा बीएसएनएल कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों आदि संबंधी 4 अन्य मांगे हैं। हड़ताल के दौरान मथुरा में डेम्पियर नगर स्थित E10B एक्सचेंज पर दिए जा रहे धरने के दौरान जगमोहन मीणा, उदयवीर सिंह, सुभाष तिवारी, आरके चतुर्वेदी, जयपाल सिंह, डीपी शर्मा, आलोक त्रिवेदी, विनोद गौड़, डीएस पाल और मान सिंह आदि ने सरकार से बीएसएनएल कर्मचारियों की मांगे शीघ्र माने जाने की मांग की। जी बताएं, क्या धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे आपके? जी, हमारे बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम जो अभी तक नहीं दिया गया है और प्राइवेट सभी कंपनियों को 4G स्पेक्ट्रम दिया जा चुका है। सबसे पहली हमारी मुख्य मांग 4G स्पेक्ट्रम लेना है। दूसरा साथ ही जो हमारा तीसरा पे रिवीजन जो होना था, जैसे कि सेंट्रल कर्मचारियों को जो 7th पे कमीशन मिला है उसके आधार पर हमारा 3rd पे रिवीजन था जो कि 1/1/17 से लागू होना था, लेकिन अभी तक हमें नहीं दिया गया। उसके लिए 15% फिटमेंट के साथ पे रिवीजन की हमारी सबसे दूसरे नंबर की मांग है। इसके साथ हमारे जो पेंशनर्स हैं हमारे, उनके पे रिवीजन का भी मुद्दा हमारे साथ है। साथ साथ जो कर्मचारी बीएसएनएल से रिटायर होता है उसके बाद वो डॉट में चला जाता है और उसके बाद जो उसके पे का जो अंशदान जो बीएसएनएल देता है पेंशन के लिए, वो हमसे हायर लेवल पर लिया जा रहा है। जो स्लैब रेट होता है उसके उच्च लेवल से लिया जाता है, जबकि या तो न्यूनतम से लिया जाना चाहिए या उससे जिस तरह के करंट जिस तरह का वो व्यक्ति रिटायर हो रहा है। तो ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर के केंद्रीय आह्वान पे हम लोगों ने 3 दिन के लिए हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें आज दूसरा दिन है। कल भी हमारे यहाँ मथुरा में जितने कर्मचारी हैं लगभग सभी स्टाफ हमारा हड़ताल पर रहा और आज भी सारा स्टाफ मेन गेट बंद है हमारा बिल्कुल भी, और सारा स्टाफ बाहर। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे केंद्रीय कार्यालय जो भी हमारा वो देगा, हम उसके आधार पर आगे की कार्यवाही करेंगे।